नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको ग्वार की फली की सब्जी बना के दिखाऊंगी। इसके लिए मैंने 250 ग्राम फली लिया, जिसको मैंने बारीक काट लिया, साफ कर लिया धोकर, लगभग एक या दो बार पानी में धोकर साफ कर लिया इसको। इसके लिए मैंने मसाला लिया है 1/4 चम्मच जीरा, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 टमाटर जिसको मैंने बारीक काट लिया है, 1 प्याज जिसको मैंने बारीक काट लिया है, 1 हरी मिर्च जिसको मैंने काट लिया है, 1 कली का लहसुन का पेस्ट जिसको मैंने साफ कर पेस्ट बना लिया है, नमक आपको डालना है स्वाद अनुसार। देखिए, सबसे पहले हम गैस ऑन कर दिया है, इसके ऊपर एक कढ़ाई रखती है, ये हमारा पैन गर्म होने तक हम ये हमारा पैन गर्म हो चुका है। इसके अंदर हम 1 बड़ा चम्मच ऑयल डालेंगे। देखिए, हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, इसके अंदर हम जीरा डालेंगे। अब इसके अंदर कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे, इसके अंदर कटी हुई प्याज डालेंगे। अब इसको हम फ्राई करेंगे, 1 या 2 मिनट तक प्याज और हरी मिर्च को फ्राई करेंगे। देखिए, आप देख सकते हैं हमारी प्याज और हरी मिर्च फ्राई हो चुकी है। अब इसके अंदर हम फली डालेंगे। देखिए, फली को 15 से 20 मिनट तक हम फ्राई करेंगे। देखिए, आप देख सकते हैं हमारी फली है वो फ्राई हो चुकी है। अब इसके अंदर हम मसाला डालेंगे। फली को फ्राई करने से पहले फ्राई कर लेते हैं तब इसमें सब्जी बनाने में बहुत ही कम समय लगता है, इसलिए हमने पहले ही फ्राई कर लिया है इसको। हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, ये धनिया पाउडर, ये लहसुन का पेस्ट, अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसको मसाले को पकाएंगे लगभग 5 या 10 मिनट तक। देखिए, हमारा मसाला पक चुका है, इसके अंदर हम नमक डालेंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए, इसके अंदर कटे हुए टमाटर डालेंगे, अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए, लगभग 4 या 5 मिनट तक इसको पकाएंगे। देखिए, हमारी सब्जी ग्वार की फली की सब्जी बनकर तैयार है। ये देखिए, हमारी सब्जी पसंद आए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।